सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब भी चलाते होंगे, साइट ट्विटर भी चलाते होंगे, यहाँ तक जो भी आपका मन है जैसे मौज वगैरह, तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते उस पर आईडी बनाते हैं, बट कैसे बनेगी, क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या बनता है, सारी इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि इंस्टाग्राम आईडी आप न्यू कैसे बना सकते हैं, न्यू आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप पूरी देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर नए हैं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे आपको मतलब मुझे सपोर्ट मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं फ़ोन में मतलब फ़ोन में ओपन कर लिया इंस्टाग्राम, जहाँ से इंस्टाग्राम ओपन होता है आप में भी आएगा। तो यहाँ पर जब आप नई नई आईडी बनाते हैं तो इंस्टाग्राम डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ऐसा कुछ आएगा तो आपको फिर यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर कंटिन्यू एज ए मतलब फेसबुक से नहीं लिंक करना होगा। मैं आपको केवल नई आईडी बना के दिखाऊंगा। तो बहुत लोग फेसबुक से ओपन कर लेते हैं तो फिर बहुत मामला हो जाता है, तो मैं आपको डायरेक्ट एक एक मतलब मैनुअल बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर नंबर वगैरह मांग रहा, तो यहाँ पर क्या करना होगा, साइनअप लिखा होगा, साइनअप साइनअप पे क्लिक करना होगा। साइनअप पे क्लिक करने के बाद यूज़र नेम मांगेगा, तो अभी उसका यूज़र नेम क्या डालना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर राम जी लिख देता हूँ, राम जी एग्जाम्पल के श्री राम। यहाँ पर देख सकते हैं श्री राम जी 1200 ऐसा मैंने लिख दिया है, 1200 12। तो यहाँ पर श्री राम 12, तो यहाँ पर पासवर्ड वगैरह भी अगर हम कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर यहाँ पर कंटिन्यू बता रहा है, बट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मैं बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी आईडी क्रिएट अभी नहीं हुई है, केवल 50% इसमें पूरा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बता रहा है जो हमारे दिलजे भाई मतलब जो मेरी पुरानी आईडी में वही ऐड करना चाहते हैं तो इसको एज अ कंप्लीट कर लिए तो उसका फ़ोन नंबर सब ऐड हो जाएगा, बट मैं नहीं करना चाहता, मैं एक फेक आईडी के रूप में बनाना चाहता हूँ, केवल आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नंबर भी आप अलग ऐड कर सकते हैं, तो उस पर एक कोड जाएगा, तो फिलहाल के लिए इस पर भी कोड जाएगा, तो मैं एक अलग से जीमेल ऐड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जब भी आप अपना जीमेल वगैरह कुछ डालेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे नेक्स्ट कर देना होगा, नेक्स्ट या फ़ोन नंबर या जीमेल जो भी है, इस पर एक कोड आएगा, आपको कोड डालना होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना होगा आपको। फिर यहाँ पर देखते हैं मैंने 6 डिजिट का कोड डाल दिया है, कन्फर्मेशन कोड होता है, कन्फर्म करना चाहता है कि आपका जीमेल या नंबर आपका ही है या नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारी आईडी आई थिंक यहाँ पर वेट हो रहा है, लोडिंग हो रहा है कुछ हमारी जीमेल जो कोड हमने फिल किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोड होने के बाद कुछ हमारा ऐसा आ गया कि आप यहाँ पर कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, फाइंड मतलब अपने नंबर की वजह से आप अपने फ्रेंड फाइंड कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता, स्किप कर देता हूँ, इसको भी स्किप कर देता हूँ, इसको भी स्किप कर देता हूँ, सब स्किप कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैं समझाता हूँ क्या करना होगा, जब आपकी एक ओल्ड आईडी बन जाएगी मतलब न्यू आईडी बन जाएगी तो यहाँ पर ऐसे कुछ आएंगे, तो आप यहाँ पर फ्रेंड का यूज़र नेम जान के यहाँ पर आप उसको फॉलो वगैरह कर सकते हैं, ऐसे नाम जैसे कि मैं यहाँ पर दिल्ली भाई लिखता हूँ, दिल्ली भाई 12, तो हमारी सारी आईडी आ जाती है, 1 2 3 आईडी आ जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी आईडी आ गई है, देख सकते हैं दोस्तों, आपको सर्च करना होगा ऐसे अपने यार दोस्त को सर्च करके, यहाँ पर ऐसे फॉलो कर लेना होगा और आपको फ्रेंड बना लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर डीपी वगैरह भी आपको लगाना होगा, उसके बाद डीपी वगैरह और सब जो भी आपको करना होगा यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक भी आपका प्रोफाइल कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, तो एडिट करने के बाद यहाँ पर आपको नाम लिख देना होगा, जो भी नाम होगा आपका। उसके बाद बायो में ऐसा लिखते हैं कि मैं स्टाइलिस्ट हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं कुछ भी हूँ या राइडर वगैरह जो भी आप होते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पर अपनी YouTube की लिंक भी डाल सकते हैं यहाँ पर ऐड करके, Facebook का प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, प्रोफाइल यहाँ पर लगा सकते हैं, अपनी DP वगैरह लगा सकते हैं, बस इसमें यही सब है दोस्तों। और यहाँ पर जाके फिर फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ रील फ़ोटो वगैरह।